दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे स्नातक प्रथम खंड में नामांकन के लिए देनी होगी प्रवेश परीक्षा। अगर आप लोग पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको स्नातक प्रथम खंड यानी डिग्री पार्ट वन BA BSc BCom इत्यादि के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि डायरेक्ट आप लोग कॉलेज जाते थे और एडमिशन करा लेते थे, लेकिन 2018 में क्या हुआ कि OFSS के माध्यम से सभी स्टूडेंट का ऑनलाइन आवेदन लिया गया और उसके बाद कॉलेज अलॉट किया गया। लेकिन इस बार से आपको ऑनलाइन आवेदन देना है, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट आयोजित की जाएगी और फिर आप पास होने पर ही आप अपना नामांकन करा पाएंगे। तो उसी से संबंधित यहाँ पर न्यूज है, पहले न्यूज को जानते हैं फिर आपको हम बताएंगे कि जितने भी पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है उसमें कुल कितने सीट है। तो आइए जानते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी कॉलेज का नाम भी है और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जिस कॉलेज में भी संचालित किए जा रहे हैं डिग्री पार्ट वन मतलब डिग्री कोर्स संचालित किए जा रहे हैं तो उन सभी के सीट के बारे में भी आप जानेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से है कि इंटर परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद छात्र छात्राओं को स्नातक प्रथम खंड में प्रवेश के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पूर्णिया विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम खंड यानी 2019-20 सत्र के लिए नामांकन को लेकर के कैलेंडर जारी कर दिया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत कटिहार के 9 डिग्री महाविद्यालय में स्नातक प्रथम खंड में नामांकन लिया जाएगा और ऐसे में 4 ऐसे महाविद्यालय हैं जो विद्यालय के अंगीभूत इकाई है, जबकि 5 महाविद्यालय विश्वविद्यालय से समानता प्राप्त है। अब तक जिले के कुल 9 डिग्री महाविद्यालय की ओर से विश्वविद्यालय को जो सीट उपलब्ध कराई गई है इसके अनुसार कुल 13,386 सीटों पर छात्र छात्राओं का नामांकन होगा। स्थानीय महाविद्यालयों प्रशासन की माने तो छात्र छात्राओं को नामांकन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार प्रवेश परीक्षा के आधार पर स्नातक प्रथम खंड में नामांकन लेने की पात्रता निर्धारित की है, यानी अब छात्र छात्राओं को पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, उसके बाद प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले छात्र छात्राओं का ही नामांकन स्नातक प्रथम खंड में लिया जाएगा। कॉलेज प्रशासन की माने तो 10 मई तक छात्र छात्राएँ अप्लाई कर सकते हैं, जबकि 19 मई को प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश के आलोक में कॉलेज प्रशासन ने छात्र छात्राओं को एवं अभिभावक की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर पर छात्र छात्राएं एवं अभिभावक नामांकन संबंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। DS कॉलेज में सर्वाधिक 2959 सीट स्थानीय पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंगीभूत व समानता प्राप्त डिग्री कॉलेज की ओर से नामांकन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिकांश कॉलेज ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी है। इस बार 9 डिग्री कॉलेज में 13,386 सीट पर छात्र छात्राओं का नामांकन होगा। इसमें सर्वाधिक सीट DS कॉलेज में है और इस कॉलेज में कुल 2959 सीट पर छात्र छात्राओं का नामांकन होगा। इसमें वहाँ पर कॉलेज वाइज और फैकल्टी वाइज सीट की संख्या को आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कॉलेज व विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई सीट सही मान ले तो बड़ी संख्या में छात्र छात्रा स्नातक प्रथम खंड में नामांकन लेने से वंचित रह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जिले में कुल 9 डिग्री कॉलेज में 13,386 सीट पर स्नातक प्रथम खंड में नामांकन के लिए निर्धारित की गई है, जबकि इंटर परीक्षा 2019 में कुल 17,444 छात्र छात्राएँ परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है, यानी करीब 4,000 छात्र छात्राएं के लिए सीट की जरूरत पड़ेगी। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि इंटर में उत्तीर्णता हासिल करने वाले कितने छात्र छात्राएं स्नातक प्रथम खंड में नामांकन करा पाते हैं। उल्लेखनीय है कि इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में अधिकांश छात्र छात्राएँ ने परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है। इंटर परीक्षा 2019 में कुल 19,503 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से आपको हो गया 17,444 परीक्षार्थी ने सफलता अर्जित की है। इसमें से आपको 9,630 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 7,411 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में सफलता अर्जित की है। मात्र 403 परीक्षार्थी ही तृतीय श्रेणी से पास हुए हैं। यहाँ पर आप
वीडियो को पॉज कर दीजिए और फैकल्टी वाइज संकाय वाइज आप सीटों की संख्या जान लीजिए और कॉलेज का भी नाम देख लीजिए। पूर्णिया यूनिवर्सिटी एडमिशन पार्ट वन एडमिशन से संबंधित और परीक्षा संबंधित सभी जानकारी हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा